वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेट फॉर जेके एस एस बी पंचायत अकाउंटेंट फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द के बिच इज द स्टेपल फूड ऑफ द माउंटेनियस पीपल इज हेयर राइट आंसर इज मेज मेज इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बिलिस इन जेएनके ए राइट आंसर इज अर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द एथनिक ग्रुप इन जेएनके बिलीव्ड टू बी इंडिजिनेश इनहेबिटेंट्स ऑफ जॉर्जिया इज तो यहां पे कौन है वो एथनिक ग्रुप इन जेएनके बिलीव्ड टू बी जिनको माना जाता है क्या इंडिजिनेश इनहेबिटेंट्स ऑफ जॉर्जिया इज तो यहाँ पे राइट right आंसर है गुज्जर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवदार जिसे बोलते हैं ओक द ग्रीन गोल्ड डोमिनेट्स द स्लोप्स ऑफ सो आंसर है यहाँ पे पीर पंजाल एंड जांसकर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज बोथ ए एंड बी नेक्स्ट इज मार्गस

डबल वन तक जो है जो डिकेटल ग्रोथ है वो कितना था यही यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पे दो एक से लेकर दो ग्यारह के बीच में पॉपुलेशन जो ग्रोथ है डिकेटल होता है दस साल में तो यहाँ पे जो राइट right आंसर बनता है वो है आपका ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ बिलीफ ऑफ परसन इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट इज क्लासिफाइड एज तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका सब्जेक्टिव अप्रोच प्रॉबिबिलिटी विच बेस्ड ऑन सेल्फ बिलीफ ऑफ परसन इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट इज क्लासीफाइड एज क्या कहते हैं उसको सब्जेक्टिव अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर क्लासीफाइड एज किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स हैं उसको क्लासीफाई क्या करते हैं इवेंट्स उसे क्या क्लासफाई किया जाता है इवेंट्स इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्सिटीजिपेंडेंट इवेंट्सूड आंसर इज ऑल ऑफ दया है इसमें ज्वाइंट इवेंट्स मार्जिनल इवेंट्स और कंडीशनल इवेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट

उसे कहा जाता है सिंपल इवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी इवेंट आर डिनोटेड बाय जो प्रोबेबिलिटी में थ्योरी प्रोबेबिलिटी uh, की थ्योरी में इवेंट्स आर डिनोटेड बाय यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में पूछ रहा है कि इवेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है तो आंसर इज कैपिटल लेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी आंसर इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो पब्लिक जो मिक्सड इकोनॉमी है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं सो आंसर इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी हियर आंसर इज क्वान्टिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्या बोलते हो उसको उसे कहते हैं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी

उसके बाद में एंड नेट फैक्टर इनकम फ्राम एब्रोड और जो विदेश से आने वाले पैसा है वो भी इसमें इंक्लूड होता है तब बनती है आपकी क्या तब बनती जी एन पी क्योंकि पूछा होती है जी डी पी और एक होती है जी एन पी जहाँ पे पूछा गया है जी एन पी तो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड उसे कहते हैं जी एन पी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटलिज्म रेफर्स टू आंसर है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स कैपिटलिज्म रेफर्स टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन यहाँ पे है द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स क्या होता है लॉ ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स यहाँ पे राइट आंसर है एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स ठीक है वो गिर जाती है लॉ ऑफ डिमांड मीन्स एज द प्राइस राइज द क्वान्टिटी डिमांडेड फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बी कंपेयर जी डी पी एंड जी एन पी देन क्या होता है उसके बाद में इफ बी कंपेयर जी डी पी एंड जी एन पी देन जी एन पी इज इक्वल टू जी डी पी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड इफ बी कंपेयर जी डी पी एंड जी एन पी देन जी एन पी इज इक्वल टू जी डी पी प्लस नेट इनकम फ्राम अब्रोड जो जी डी पी है उसमें जी एन पी है उसमें जी डी पी और प्लस नेट इनकम होती है जो विदेश से आने वाला पैसा है ठीक है वो भी ऐड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइंड टू मोडिफाई फंक्शनलिटी ऑफ एनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आर उसे क्या कहते हैं बोथ ए एंड बी बी सॉरी बोथ ए एंड बी कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू मॉडिफाई फंक्शनैलिटी ऑफ एनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आर प्लग एंड एक्सटेंशन बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंटरफेस यूज बाय अ ब्लाइंड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए कंप्यूटर तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको ब्राइल इज द राइट आंसर आपने देखा होगा जो आ, ब्राइल लिपी होती है जो फॉर द ब्लाइंड्स वो जो है इसमें टच करके उसको जो है जो भी लिखा होता है उसको टच करके जो है वो जजमेंट करते हैं सो नेम ऑफ इंटरफेस चूज्ड बाई ब्लाइंड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए कंप्यूटर इज तो उसे कहते हैं ब्रेल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे ब्राइल जो है इज द राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट इज देयर आर सुपर कंप्यूटर्स बि कैन परफॉर्म अप टू तो क्या कर सकते हैं तो देर आर सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे जो है इतने अच्छे अच्छे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो के क्या कर सकते हैं परफॉर्म अप टू क्वाड्रिलियंट्स ऑफ एफ एल ओ पी एस ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सो ये थे आज के ट्वेंटी वन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई होप वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के पार्ट टू में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर